कत्था मत लगाना उसमें, खाली चूना लगा के, बहुत बढ़िया चीज है। बाल अगर किसी को मजबूत करने हैं तो चूना खाओ, आंखें ठीक रखनी है तो चूना खाओ, शरीर ठीक रखना है तो चूना खाओ। चूना रेजिस्टेंस बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, चूना खून बढ़ाता है। किसी को खून कम बनता है, चूना खिला दो, खून बहुत अच्छे से बने। एनीमिया के पेशेंट को मैं जो है ना अनार के रस में चूना पिलाता हूँ, बहुत तेजी से खून बढ़ता है, बहुत अच्छी चीज है। ये सब घर घर में है, बस आप उस पे ध्यान नहीं देते। मेरी तो यही कहने की बात है कि आप घर की दवाओं पे ध्यान दो, ये बाजार के चक्कर में क्यों फंस गए आप? भगवान ने इतनी चीजें हमको दे रखी है, इनका उपयोग करो। और 100 बातों की एक बात, आपको इतने मैंने नुस्खे बताए, कई बार लोग कहते हैं जी भूल जाते हैं, याद नहीं रहता या कंफ्यूजन हो जाता है, तो मेरे 100 नुस्खों का एक याद रखना आप, गाय का मूत्र और चूना, बस इसी में जिंदगी कट जाएगी आप। कुछ बीमारी हो गई तो गोमूत्र पी लो, थोड़ा सा चूना खा लो, सब बीमारी ठीक। आंख की बीमारी है तो गोमूत्र आंखों में डाल लो, एक एक बूंद, आंखें ठीक होती है। कान में तकलीफ है, कान में गोमूत्र डाल लो, कान ठीक होता है। शरीर में त्वचा का रोग है, गोमूत्र लगा के मालिश कर लो, त्वचा ठीक होती। बहुत लोग ये कहते हैं कि गोमूत्र पियेंगे कैसे, बास आती है, तो दारू कैसे पीते हो? दारू की बोतल पे बोतल गटक सकते हैं, तो गोमूत्र पीने में क्या तकलीफ है? और आपको तो मालूम है गाय का मूत्र प्रसाद बनाता है। हमारे घर में जब सत्यनारायण की कथा होती है, पंचामृत बनता है ना, तो पहले गोमूत्र ही डाला जाता है उसमें, तो जब प्रसाद में गोमूत्र डलता है तो आपको क्या तकलीफ है, पियो। अच्छा, मैं तो कई बार ऐसे मुंह लगा के पीता हूँ, गाय मूत्र देती है ऐसे पी लेता हूँ, कोई तकलीफ नहीं। फिर कई लोगों को ये लगता है कि इसको छानना चाहिए नहीं छानना चाहिए, अरे गाय के शरीर से ही छन कर आता है, 2 फिल्टर उसके शरीर में लगे, किडनी उसके भी है, वो छान के देती, तो जरूरत उसमें। बस इतना ध्यान रखना कि गोमूत्र जब लेना किसी गाय का तो गाय देशी होनी चाहिए, एक बात, और वो गर्भावस्था में ना हो, तो ऐसी गाय का मूत्र पियोगे तभी लाभ है। विलायती गाय का मत पी लेना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा और बीमारी बढ़ जाएगी आपकी। वो भी मैंने पी के देखा, विलायती गाय का बहुत तकलीफ करता, देशी गाय का पीना, और देशी गाय का ही दूध पियो, देशी गाय का घी खाओ, देशी गाय का मूत्र पियो, सब बीमारी ठीक रहेगी। गांव गांव में तो हर बीमारी का इलाज गाय के मूत्र से और चूने से, चूना हर गांव में, मूत्र हर गांव। तो सब याद ना रहे तो 2 चीजें याद रख लो बस, ठीक है, तो बीमारी भी मिटी आपकी, स्वस्थ हो गए, तंदुरुस्त।